गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि स्कर्दो के किसी मकाम पर एक सैयाह चेरी का पूरा शाख तोड़ रहा है और उसकी फिल्मिंग भी की जा रही है। सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं हूँ आलिया और आज हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले सैयाह किस तरह से टूरिज्म एथिक्स यानी कि सियाहती अखलाकियात को नजरअंदाज करते हैं। सो ये है बाबूसर टैप जहाँ पे ये देख रहे हैं आप बर्फ, और इस जगह की खूबसूरत होने की वजह से और यूनिक होने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आता है, और इस टूरिस्ट का आने का फायदा इस जगह को ये होता है जो आपको नजर आ रहा है। सियाहत एक ऐसी सरगर्मी है जहाँ पे लोग नई जगहों को, सकाफत को, कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उस जगह के लोगों के लिए कुछ अच्छी तहजीबें और कुछ अच्छी रिवायात छोड़ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आए रोज हम गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे वाकयात देख रहे हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सियाहत के अखलाकियात को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज करते हैं। ये आपके देखे खतर, ये कचरे फेंके हुए, मतलब इनको थोड़े से भी नेचर का ख्याल नहीं है, जैसे कि अमलाक को नुकसान पहुंचाना, बागात को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, इस तरह काटते हैं? नहीं नहीं, हमने नहीं काटा। गोबानी जो नहीं, इस तरह उठाते हैं? फिर किसने काटा है? नीचे पड़ा हुआ था तो हमने। ये सोशल मीडिया पर होगा, आप लोगों को जॉब मिलेगा। कुछ टूरिज्म एथिक्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं। जैसे कि जहां आप सफर करते हैं इस इलाके की खूबसूरती और सालिमियत को बरकरार रखना, माहौल, मकामी अमलाक और कम्युनिटीज के रस्म और रिवाज का एहतराम करना, इसी तरह तेज रफ्तारी या किसी तरह का भी स्टंट न सिर्फ सियाह के अपनी जान को खतरे में डाल देती है बल्कि उसके साथ साथ मुकामी कम्युनिटीज और जंगली हयात भी इसके जद में आ जाते हैं और इससे मुतासिर हो जाते हैं। वालेकुम सेबा, रुके 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 रुके, ये क्या चीज़ है? सर भाई, ये रास्ते में जा रहा था। अच्छा, स्पीड में था लेकिन मैंने फुल स्पीड दिया और इसको मैंने कवर कर लिया। पकड़ लिया, जिंदा है ये, दिखाओ। तो जिंदा है, थोड़ा सा हल्का तो बेहोश हुआ है। अच्छा, और इसको बड़ा मुश्किल से कवर किया मैंने। हाँ, तो अब ये बड़ा पीछे डरो भी लग रहा है। अच्छा, क्या चीज़ है समझ नहीं आ रही। अच्छा दिखाओ जरा, बताना जी, बैठ चुका है। ठीक है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन और मेहमान नवाज इलाका है। यहाँ पे खुले आम हथियार की नुमाइश बिल्कुल गैर इखलाकी है जिसे तमाम सियाहों को इज्तनाब करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान को कुदरत ने बहुत यूनिक खूबसूरती से नवाजा है। इनके पहाड़ों पे, इन पत्थरों पे वॉल चॉकिंग बहुत ही ज्यादा गैर इखलाकी है। जैसे आप कहते हैं, ये आपने खूबसूरती भी बनाई, किस सीजन से क्या आप यहाँ इंडिकेशन रख के जाना चाहते हैं इस्लामाबाद की तरफ? ये कोई अच्छी बात है? तो ये लिखना नहीं है, वॉल चॉकिंग अलाउड नहीं है। वॉल चॉकिंग तो क्राइम है सर। अब से लॉस ऑफ प्लेस से गलत बात। याद रखें कि जहां आप सफर करते हैं वहां के मुकामी अफराद, मुकामी कम्युनिटीज आपकी सकाफत, आपकी रिवायत और आपकी तहजीब के बारे में जानना चाहते हैं। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया एक फर्द वाहिद की वजह से उसके पूरी सकाफत, रिवायत और तहजीब पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। आइए ये पैगाम उन तमाम सियाहों तक पहुँचाते हैं जो अपने मुहिम जुई के दौरान बहुत सारे मनफी असरात छोड़ जाते हैं, इन मकामात की तकद्दस का ख्याल नहीं रखते और गैर जिम्मेदाराना सियाहती रवैयों से इज्तनाब नहीं करते।